सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं तस्वीरें, यह है रेड लाइन मेट्रो स्टेशन जो कि जा रही है शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया, और दूसरी लाइन देख सकते हैं ये फ्लाईओवर और इस रेड लाइन को क्रॉस कर रही है ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है दोस्तों वो है, देख सकते हैं तस्वीरें। और ये आ जाता है गाजियाबाद का RRTS स्टेशन। आपको बता दूं कि क्रॉस करवाने के लिए ये स्टील के गाटर द्वारा इसको क्रॉस करवाया गया, और ये आपको बता दूं दोस्तों 5 फ्लोर का ये RRTS स्टेशन है गाजियाबाद का। देख सकते हैं इस पर जोरों शोरों से अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वर्क इस पर चल रहा है। देख सकते हैं सेटरिंग लगी हुई है और दोनों साइड में, अभी आपको बता दूं ये टीन शेड जो ऊपर बना रहे हैं उसके ये पिलर्स बनाए लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं ये, देख सकते हैं ऊपर ये जितने भी वाइट वाइट से चमक रहे हैं ये टीन सेट के लिए बनाए जा रहे हैं। और इस पर देखिए फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। आपको बता दें जितने भी ये कौन कौन से लेवल का फ्लोर है उससे नीचे है और उससे नीचे ये छेद चमक रहा है, अभी इन पे भी वर्क चल रहा है, अभी इन पे भी आर्म्स को इंस्टेंड किया जाए, फिर इसी तरीके से ये जो कौन कौन से लेवल का देख सकते हैं ये फ्लोरिंग का काम चल रहा है, इसी तरीके से नीचे भी बनाया जाएगा क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्टेशन बनाया जा रहा है गाजियाबाद का दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लाता रहता हूं, तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें हमारे वीडियोस को, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो देख सकते हैं ये कौन कौन से लेवल का, ये देख देख गाटर लॉन्चिंग कर दी गई और इन पर फ्लोरिंग का अभी काम किया जा रहा है। और दूसरा काम बता दूँ आपको कि ये टीन शेड बनाने का काम चल रहा है, अभी स्ट्रक्चर को खड़ा किया जा रहा है। और जो एक देख सकते ये जो पार्ट बचा था जिसका मैंने पिछली वीडियोज में आपको दिखाया था दोस्तों, वहाँ पर भी देख सकते हैं ये फ्लोरिंग का काम चल रहा है, बस जो पार्ट बचा था जैसा बचा हुआ था वो लास्ट वाला यही हिस्सा है, इस पर अब फ्लोरिंग किया जा रहा है। सेकंड वाले पहुँच चुका है, ये फर्स्ट वाला फ्लोरिंग के लिए बचा है, फिर इसके बाद में टैक्स स्लैब इस पर डालने स्टार्ट हो जाएंगे, और इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट के जो पिलर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो लगाए जाएंगे, फिर इसके बाद में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं गाजियाबाद के स्टेशन पे क्या कुछ वर्क चल रहा है वो आप लोग केपी संत के चैनल पर देखते हो, आप लोगों के बीच में वीडियोस लाता रहता और आप लोगों के इंटरटेन करता रहता। तो आगे का पार्ट्स आपको दिखाते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके दोस्तों, तो इन्जॉय करो आप।
और गाइस ये आ चुका है, देख सकते हैं गुलढहर का RRTS का स्टेशन, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो वर्क हुआ है वो इसी स्टेशन पर हुआ है, ये बिल्कुल कंप्लीट सही हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस पर सारा कुछ काम हो चुका है। इस पर टीन सेट भी और इसका सनरूफ बनाने का काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये लिफ्ट भी लगा दी जा चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने ये लिफ्ट लगी हुई है और आगे ये वर्क चल रहा है। देखिए ये लिफ्ट बनाने का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया जा चुका है। और इस पर आगे देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ मतलब कि बन चुकी हैं। और आगे एस्केलेटर्स वो भी लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों। अब जो वर्क चल रहा है इस पर वो चल रहा है इसके फिनिशिंग का, और दूसरा ऑटोमेटिक स्क्रीन डोर्स जो लगाए गए हैं उन पर लगाने का काम चल रहा है इस गुलढहर स्टेशन RRTS के पर दोस्तों, देख सकते हैं। क्योंकि और उस साइड में देख सकते हैं वो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का काम, तो उस पर भी फ्लोरिंग का काम कंप्लीट कर लिया जा चुका है। देख सकते हैं वो पिलर चमक रहे हैं, वो सारा काम कंप्लीट कर लिया जा चुका है। और ऐसा ही सीन आपको आगे चल के दिखाएंगे, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसी तरीके से दिखाया जाए, और मोह में मैं आप लोगों को दिखाता ही रहता हूँ। तस्वीरें आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी सेक्शन है दोस्तों वो स्टेशन आपको बता दूं, मेन स्टेशन गुलढहर का यही है जो पहले बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि दुहाई डिपो से लेकर और साहिबाबाद तक का जो 17 किलोमीटर का पार्ट है प्रायोरिटी सेक्शन है वो पहला स्टेशन गुलढहर का यही है जो सबसे पहले कंप्लीट कर लिया जा चुका है दोस्तों, बन के कम्प्लीट हो चुका है। और आपको बता दूँ ये अगले साल से और इस पर अब ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि RRTS जो रैपिड रेल है वो अब इस पर इसका ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। तो जब ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा तब भी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, और आप हमें बता देना कि वीडियो कैसा लगे। देखो ये इसके एस्केलेटर लगा दिए गए हैं, देख सकते हैं ये अब इस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है और इसका पेंट का काम चल रहा है अभी। कॉनकोर्स लेवल तो बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो काम वर्क बचा है वो इसके फिनिशिंग का ही बचा है, वो फिनिशिंग हो जाने के बाद में। और इसमें ऑटोमेटिक जो स्क्रीन डोर्स हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, तो स्क्रीन डोर लगाने के बाद में फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है दोस्तों, ये है गुलढहर का RRTS का स्टेशन जो सबसे पहले कंप्लीट हुआ है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों, KP संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे का दिखाते हैं आपको दुहाई के स्टेशन से फास्ट फॉरवर्ड करके दोस्तों, तो इन्जॉय करो। ये आ चुका है, देख सकते हैं दुहाई का RRTS स्टेशन, देख सकते हैं यहाँ पर कितना कुछ वर्क हो चुका है वो भी आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से। क्योंकि आपको बता दूं कि जो लेफ्ट वाली लाइन है वो जा रही है डिपो के लिए, और लेफ्ट वाली लाइन पे ही सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्योंकि इस पर ये गाटर डाले गए हैं। गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर फ्लोर किया गया है, क्योंकि गाटर रखने में काफ़ी टाइम लगता है। और जो राइट वाला पार्ट है, राइट हैंड वाला, इसको आपको बता दो लॉन्चर द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो जो लॉन्चर द्वारा कनेक्ट किया जाता है वो तो जल्दी हो जाता है, और जो गाटर लॉन्चिंग की जाती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पहले गाटर को रखा जाता है, फिर उसके बाद में इनकी सेटिंग बिठाई जाती है, फिर सेटिंग बिठा के फिर इस पर फ्लोर किया जाता है। तो ये मेन पार्ट है दोस्तों RRTS का स्टेशन दुहाई का गाइस,
देख सकते हैं सेटरिंग लगी हुई है, इस पर भी अभी वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में। और देख सकते हैं इधर ये गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है और इस पर फ्लोरिंग का अब काम किया जाएगा दोस्तों। और जो ये वाला पार्ट था वो भी इस पर रखे जाएंगे गाटर, ये मेन पार्ट था ये बचे थे तो ये भी रख दिए गए हैं और ये डिपो के लिए जा रहा है। अब इस पर देखो इस पर सेटरिंग लगाई जाएगी, सेटरिंग लगा कर फिर फ्लोरिंग किया जाएगा दोस्तों। और फ्लोरिंग कर देने के बाद में तब इस पर काम कंप्लीट होगा। तो अभी काफ़ी सारा काम है क्योंकि इसके जो आपको बता दूं आधा तो इसका लेफ्ट का पार्ट कनेक्ट हो गया और आधा इसके गाज़ियाबाद का साइड का पार्ट कनेक्ट हो गया है, जो मतलब कि इसमें ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिया जा चुका है और इस पर ट्रैक स्लैब भी डाल दिए जा चुके हैं। और इधर तुम्हारा मोदी नगर के साइड से भी आधे में ट्रक बिछ चुके हैं, बस जो स्टेशन का पार्ट है वही बचा है बाकी, और बाकी सारा कंप्लीट हो गया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग अपनी आँखों से, ये पूरा ही अभी कंस्ट्रक्शन तेज़ी के साथ में चल रहा है। इससे दुहाई स्टेशन RRTS के पे देख सकते हैं दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर बनाया जा रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। और आपको बता दूं ये 82 किलोमीटर का रूट है, हमारे सराय दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होगा और ये मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगा, जो इसका लास्ट स्टॉप है वो मोदीपुरम का डिपो है मेरठ, उत्तर प्रदेश इंडिया में आता है दोस्तों। देख सकते हैं 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी, देख सकते हैं 180 किलो घंटे की रफ्तार से इस पर RRTS दौड़ेगी, यानी कि रैपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों। तो वो नज़ारा आने वाले टाइम में क्या होगा हमारा, देखिए कल का ये भविष्य बनाया जा रहा है हमारे आम जनता के लिए, हमारी पब्लिक के लिए आने वाले टाइम में, कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी में कनेक्टिविटी तेज करने के लिए ये पहली बार रैपिड रेल चलाई जा रही है, जो कि हमारे मेड इन इंडिया ले से पहली योजना ऐसी है जो इतनी फास्ट इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों। क्योंकि ये रैपिड रेल ये मतलब कि ये रेलगाड़ी है, ये मेट्रो नहीं है, क्योंकि मेट्रो आपको एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करती है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखो केपी संत के चैनल पर गाइस, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। अब देख सकते हैं ये लेफ्ट वाला पार्ट तो ये दुहाई डिपो के अंदर चला जाता है और जो राइट वाला पार्ट है वो सीधा मेरठ के लिए जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये पहले मुरादनगर, फिर मोदी नगर, फिर मेरठ पड़ेगा और फिर मेरठ के बाद में बिल्कुल लास्ट में जाकर एंड में बिल्कुल मोदीपुरम डिपो आ जाएगा दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी।